जब दंगल राज बिहार के अंदर चल रहा था, जब किडनैपिंग एक उद्योग बना हुआ था बिहार के अंदर, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही थी, सारे बिजनेसमैन बिहार छोड़ के भाग गए थे, तब कहाँ थे तेज यादव? तब तो इनकी उम्र ये खेलने कूदने की थी, अपने पिताजी के बनाए हुए माहौल को, मतलब भोकाल को वो मजे ले रहे थे। ये लोग चारा खा गए, रेलवे का कबाड़ खा गए, पता नहीं गाय चोरी होती थी ना इनकी, गाय और भैंस, तो बिहार पुलिस लग जाती थी। और किसी का बच्चा अगर गायब हो जाए बेचारे का, दो चार पांच दस लोगों के चक्कर में इनको सुननी पड़ती है, नहीं तो ये किसी की ना सुने। डॉक्टर बिहार का, प्रोफेसर बिहार का, आईपीएस बिहार का, ये जो बिहार बिहार के लिए बोलते हैं ना, मेरे को कई बार इनके ऊपर भी गुस्सा आता, मत बोला करो। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर, मैं हूं रजत शर्मा। बिहार में खेला हो गया, जी हाँ, बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया और सरकार बना ली, सीएम पद की शपथ ले ली। तो उधर तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। अब नेशनल मीडिया के एक पत्रकार ने पूछा तेजस्वी यादव से कि जो आपने वादा किया था सरकार हमारी बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो उनका जवाब सुनिए महाशय ने क्या कहा। कहा कि अभी तो हम डिप्टी सीएम बने हैं, जब सीएम बनेंगे तब देखेंगे। आइए इसी सवाल पर जनता के बीच चलते हैं, आखिरकार क्या सोचती है इस जवाब को लेकर। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं सुमंतोष तिवारी, और मैं सिवान से हूं और बिहार से ही हूं। और आपका सवाल बिल्कुल बिहार से ही है। तो मैं बताना चाहूंगा, जो लोग ये समझते हैं कि बीजेपी के साथ धोखा हुआ है, जी नहीं, ये बीजेपी के साथ धोखा नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होने का समय आ गया है। ये आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है, इन दोनों का सुपड़ा साफ होना है 2025 के अंदर। हाँ, वो तो भाई साहब सरकार में आ गए ना, सरकार में आ गए, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंडेट जो था वो एनडीए के साथ था। 2020 का जो मैंडेट था ये एनडीए के साथ था। और कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो धोखा हुआ है वो जनता के साथ हुआ है, ना कि बीजेपी के साथ हुआ है। क्योंकि जो 2017 में छोड़ के महागठबंधन और नीतीश कुमार आए थे एनडीए के साथ, लेकिन उन्होंने फिर पलटी मारी है। तो पलटी मारने के ऊपर एक बहुत ही पसंदीदा, मैं कहूँगा तो कि देखिए, आप अध्यात्म को मानते हैं? गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है, अतृप्त आत्माएं भटकती रहती हैं। तो वही नीतीश कुमार है, वो भटकते रहते हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, वो भटकने वाले इंसान हैं, तो भटक रहे हैं। अब पता नहीं उनको शांति कब मिलेगी, प्रधानमंत्री के रेस में तो कहीं से नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये लालसा है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। अरे जेडीयू और आरजेडी के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता, वो तो कह रहे हैं कि 2024 में पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे नीतीश कुमार। अच्छा, कहीं कहीं मतलब दूर दूर तक कहीं दिख रहा है क्या? मोदी के बाद, मतलब मोदी जी के बाद योगी जी का नाम आ रहा है, ये बौखलाहट देखिए। मेन उनकी परेशानी मोदी जी नहीं है, वो खुद को एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानने थे मोदी जी के बाद, लेकिन उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी जी उनके सत्ता के लिए एक हकदार बनते जा रहे हैं। तो उनकी बकलाहट इस वजह से है, और तभी उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा है, क्योंकि वो उत्तरदायी जनता के प्रति नहीं है, वो कुर्सी के प्रति हैं। उनका नाम पलटू कुमार भी है और कुर्सी कुमार भी है। बिहार के अंदर लोग उनका जो नीतीश कुमार का जो नीक नेम है वो कुर्सी कुमार हो गया है, और वो कहीं भरोसे के लायक नहीं है। जब दंगल राज बिहार के अंदर चल रहा था, जब किडनैपिंग एक उद्योग बना हुआ था बिहार के अंदर, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही थी, सारे बिजनेसमैन बिहार छोड़ के भाग गए थे, तब कहाँ थे तेज यादव? तब तो इनकी उम्र ये खेलने कूदने की थी, अपने पिताजी के बनाए हुए माहौल को, मतलब भोकाल को वो मजे ले रहे थे। अब आ गए जनता के बीच में, जनता के मतलब जनता के साथ खड़े हैं, वो कहाँ से, वो बताएं, एक नौवीं फेल आदमी वो बताएगा कि मतलब कैसे जनता के साथ रहना है? बहुत सम्मानित नेता थे नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। इंजीनियर थे वो, अभी भी हैं, मैं अभी थे नहीं हैं, वो इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जनता के भरोसे को धोखा रख दिया। बिहार के अंदर आप देखो, सिंपल सा है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से चले गए महागठबंधन में, फिर वापस चले आए बीजेपी के साथ। और 2017 के अंदर लालू जी ने खुद कहा था एनडीए गठबंधन के साथ कि आप नीतीश जी का सुपड़ा साफ कर दो, लेकिन इसी एनडीए के नेताओं ने कहा था कि नहीं, हम अपने गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, और उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया। और अभी का जो माहौल बना, वो कहीं ना कहीं अभी के माहौल को देखते हुए वो फिर से पलटी मारी और वो चले गए मारकंड, तो उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। जी भाई साहब, बिहार में खेला हो गया और डिप्टी सीएम बन गए तेजस्वी यादव, जिन्होंने वादा किया था 10 लाख जॉब का, कैसे देखते हैं उसको? अब उनको भी मोदी जी के साथ खड़ा कर दो। वो तो मोदी जी पे खिली उड़ाते थे ना, कि देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को रोजगार देगा, वो कह रहे थे ना। देखो, खून वही है भाई साहब। नाम सुना है लालू प्रसाद यादव? एक बार मुंह से बोलो, लालू प्रसाद यादव या लालू प्रसाद यादव? नहीं भाई साहब, हम लोग बुजुर्ग आदमी, हम लोग क्या मजाक बजाय, बीमार हो रहा है बेचारा। सुनो, हम लोग सीनियर सिटीजन पेंशन खा रहा है भाई साहब। अब ये लोग चारा खा गए, रेलवे का कबाड़ खा गए, पता नहीं गाय चोरी होती थी ना इनकी, गाय और भैंस, तो बिहार पुलिस लग जाती थी। और किसी का बच्चा अगर गायब हो जाए बेचारे का, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बच्चा चोरी की घटना कहाँ होती है मालूम है? कहाँ होती है? बिहार में। और बिना पुलिस की नॉलेज के बच्चा कैसे चोरी हो जाएगा, चलो आप बताओ। पुलिस के बिना तो पत्ता भी नहीं ले सकता भाई।
अगर बीट वाला ना चाहे, एसएचओ ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, मगर इनकी जब भैंसे चोरी होती थी, गाय चोरी होती थी, तो वो दो दिन बाद मिल जाती थी। चाहे पुलिस वाला लाके अपनी गाय दे दे के भाई साहब मिल गई ले लो, बोले नहीं ये हमारा नहीं है, हमारे इलाके तो कुत्ता चोरी हो गया तो खोज के लाके दिए उन्होंने। मगर जिनके बच्चे चोरी हुए, गरीब वंचित लोगों का, इन्होंने मजाक बनाया उनको दारू पिला पिला के, आज बंद कर दिए, फिर चालू कर देंगे ये लोग। और नीतीश कुमार को मैं अभी फिलहाल गलत इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की आदत है कि बिल्कुल शुरू शुरू में, अरे यार पहले अच्छा था जब बीजेपी के साथ था, कोई बात नहीं चला गया है उसको, क्या है सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, अभी सावन चल रहा है ना, मालूम है। ऐसे ही आपको मालूम है संजय राउत ने भी ऐसे ही करा था, 40 फुट गाड़ देंगे, 4 फुट गाड़ देंगे, याद है, गाड़ देंगे गुड़ देंगे कर रहा था। उनके अखबार का नाम सुना है सामना, क्या है सामना, वो खुद नहीं सामना कर पा रहे अपने अखबार का। एमपी भग गए, विधायक भग गए, कौन खरीद रहा है इनको, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुना है, कौन है राजा, राजा महाराजा रजवाड़े खानदान का है वो, उसको कौन खरीद लेगा, उसके आगे तो पैसों की बात भी मत करना। पता क्यों, उसके खुद के ही इतने पर्वत, इतने होटल, इतने महल है कि गवर्नमेंट परमिशन लेती है ऑडिटोरियम बनाने की। तो नीतीश कुमार जी आदमी बढ़िया है, सीधा किसी के ऊपर उंगली उठा के उल्टा सीधा बोलना मेरे बस की नहीं है भैया, देखो क्योंकि जो आदमी जेन्युइन होगा वो जेन्युइन बात करेगा, मगर ये है कि उसको सत्ता का लोभ है। फिर दूसरा, मैंने पहले भी बोला, जो जो बंदा केजरीवाल के साथ चाय पिएगा वो सत्ता का लोभ आएगा, क्योंकि वो गुरु का भी सगा नहीं है। अब ये क्या है, थोड़े दिन के लिए सरकार बनाएंगे, हो सकता है वहाँ खेला हो, कोनो फिरकी ले ले बेचारे की, किसने, नीतीश भैया हेलो आपके लिए बोल रहा हूँ, इनकी हो सकता है कोई फिरकी भी ले ले। एक तो वो है जो अभी फिरकी ली जा रही है, चड्डा का नाम सुना है, चड्डा बाइकआउट हो गई है भैया, खुशखबरी दे रहा हूँ, एक सनातनी एक हो गए हैं, चड्डा बाइकआउट हो गई है। हम नहीं कह रहे हैं, वो भगवान को लापता दिखा रहा था, ए महाराज वहाँ पर स्टेडियम में से पूरे लोग ही लापता हो गए, पब्लिक नहीं देख रही है। तो सीधी सी बात है, ये 2-4 महीने सरकार चलाएंगे, इनके कुछ प्रोजेक्ट रुके पड़े होंगे, साफ बोल रहा हूँ, चौड़े होके बोल रहा हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भू माफिया, कुछ भूखलन वाले, कुछ अवैध काम है, वो अटक गए होंगे। अब वो रोज जाके बोल रहे होंगे लालू के बेटे को, भैया हमारा काम चालू करा दो। और आप जो कह रहे हो बीजेपी को क्या फायदा होगा, 19 राज्यों में बीजेपी ने क्या अपने खौफ में सरकार बनाई है, वो तो यही कहते हैं, कौन डरता है बीजेपी, यही तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि पहले बीजेपी डराती है, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए, पहले बीजेपी डराती है, जब नहीं डरते तो फिर उसके बाद में वो उसको क्या करती है, ईवीएम हैक कर देती है ना, पहले ईवीएम हैक हो गई, फिर नवयुवाओं का दिमाग हैक हो गया, उसके बाद फिर क्या क्या हैक करवाओगे भाई साहब, फिर खरीदती है भाई साहब। अच्छा आपने देखा है, आपने डील देखी है? वो कह रहे नहीं भाई साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने देखा है, जिसने देखा उससे पूछो कितने रुपए की डील हुई है, ऐसा ही होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने में खरीदा बता दो, मैं तो चला जाता हूँ, बताओ ना कितने में खरीदा है। हार्दिक पटेल का नाम सुना है गुजरात में, क्या बोला मालूम है, कि ये पार्टी हिंदुत्व का साथ नहीं देती है, साफ बोल के आया, उसकी मर्जी है, मगर उसने किसी और को मजहब के लिए भी गलत नहीं बोला है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सत्ता का लोभ है, उसको उप मुख्यमंत्री बनना था, हमारी उम्र का लोंडा है, नया नया चाव है, आपको क्या परेशानी है, बनने दो, थोड़े दिन मजे लेने दो, सिक्योरिटी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, लेने दो मजे, 2-4-6 महीने बाद फिर वही देखे ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है। ये अभी नीतीश बाबू की शुरू से आदत रही है, देखो एक तो स्वर्गों में रामविलास पासवान जी, वो भी ऐसी थे, जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात, एक ये नीतीश बाबू है। अभी थोड़े दिन रुक जाइए, जैसे जैसे इनका प्रेशर बढ़ेगा ना, जब ये और आगे बढ़ेंगे तो ये आके फिर मोदी जी के साथ चाय पियेंगे। 3 महीने पहले केजरीवाल के साथ चाय पी के आ चुके हैं, और केजरीवाल के साथ जो भी चाय पी के आएगा ना भाई साहब, कोनो फिरकी लेगा उसकी, सीधी सी बात है। और महाराष्ट्र का हाल आपको पता है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, 40 विधायक किससे डरे हुए थे मालूम है, सिर्फ संजय राउत ने धमकी दे रखी थी उनको, इसीलिए वो महाराष्ट्र गए थे, डरे नहीं हुए थे। अब कहाँ रह रहे वो विधायक, कहाँ बताओ वो विधायक, महाराष्ट्र में ही है, उनकी किसी ने पूछ पाड़ ली नहीं पाड़ सकते भाई साहब। बिहार में ये कह रहे हैं कि बिहार में ये सरकार आनी जरूरी थी, बीजेपी काम नहीं करने दे रही थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा गुंडे गुंडे बाहर आ जाएंगे अब लग रहा है मेरे को, जो बंद कर दिए थे नीतीश ने, जो बंद करवा दिए थे गुंडे, वो सारे बाहर आ जाएंगे अब, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना पत्रकार महोदय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोनो फिरकी ले रहा है, सीधी सी बात है। अब वहाँ पर ज्यादा दिन नहीं, परसों की घटना सुन लो, 2 मर्डर हो चुके हैं वहाँ, 2 मर्डर हो चुके हैं। और ये बिहार के जो हमारे लोग हैं ना, ये नंबर 1 शिक्षित भी हैं, ये तो बेचारा 2-4-5-10 लोगों के चक्कर में इनको सुननी पड़ती है, नहीं तो ये किसी की ना सुने। डॉक्टर बिहार का, प्रोफेसर बिहार का, IPS बिहार का, ये जो बिहार बिहार के लिए बोलते हैं ना, मेरे को कई बार इनके ऊपर भी गुस्सा आता, मत बोला करो, ये हमारे हिंदुस्तानी नागरिक हैं, ये बिहार के जितने भी हैं, ये जेन्युइन बंदे हैं, ये दिल्ली को नहीं है पूरे देश को भी चला रहे हैं। और बिहार कौन सा हमारे देश से अलग है, यहाँ लोग मजाक बनाते हैं, मुझे बुरा लगता है, क्यों
वो कोई अलग कौम के हैं, उनके पास भी हमारे देश की उतनी बड़ी नागरिकता जितनी हमारी है, मगर जब हमारी फटती है ना तो हम जाते हैं इनके पास सिलवाने। फिर आप बोलोगे कि कैमरे के आगे ऐसी बातें करता है। आज की डेट में संवैधानिक पदों में सारे बिहारी डॉक्टर बैठे हैं, बोल के दिखाओ उनको। जब ऑपरेशन कराते हो तो डॉक्टर को बोलते हो, तो भैया पढ़ाई लिखाई भी होगी, सब कुछ होना चाहिए। मगर ये जो नीतीश जी ने करा है फिलहाल, ये सत्ता के लोभ में सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आ रहा है, और ये चीज ज़रा दिन नहीं चलेगी। थोड़े दिन बाद, आप 2-3 महीने बाद हो सकता है मेरे पास इंटरव्यू लेने आ जाओ या किसी और से ले लो, मगर ये दोबारा वहीं आएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जितना बेड़ा गर्क करा है उसको आप ही लोगों ने सस्ती टीआरपी दी है। अरे क्या बोलता था, ए बुड़वाक इका है भाई साहब, जेडीयू और आरजेडी के जो गठबंधन के लोग हैं ना, मेरी बात सुनिए, फेमस है कॉमेडी में, आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कुर्सी पर बैठेंगे 24 में पीएम की। एक उपलब्धि गिनवा दो लालू प्रसाद यादव की, मैं चला जाऊंगा। एक उपलब्धि गिनवा दो, चलो वो नीतीश को कह रहे हैं बैठेंगे गद्दी पर पीएम। मैं कह रहा हूँ लालू की एक उपलब्धि गिनवा दो, चारा खरीदा तो चारा बेच के खा गया। अरे गाय को नहीं छोड़ा इस देश में, भैंसों को नहीं छोड़ा, बोलता है मैं कबाड़ सफाई कराने आया हूँ। जब रेल मंत्री था ना तो कुल्लड़ की शुरुआत उसी ने करी थी। किसकी? कुल्लड़ में भी घोटाला हो गया। अच्छा। ये रेल मंत्री था तो कह रहा मैं कबाड़ रातों रात 10% रेटों में बिकवा दिया। और पता क्या कह रहा है, देखो मैंने सफाई कर दी है। ये कौन सी सफाई हुई भाई साहब? मतलब ये इनका घर देखते ना अब, 40 साल पहले की फोटो देखना। मैं नहीं कह रहा हूँ उस टाइम पे मोदी आया भी नहीं था, कहीं आप बोल दो मोदी ने वो वीडियो वायरल कर दिया, फोटो वायरल कर दिया। 40 साल पहले की फोटो और अब की फोटो देखो, उनके जो जो उनके जो बैठने की कुर्सी है ना वो भी राजमाड़े खानदान की हो गई। अब ये जनता का पैसा नोच नोच के इन लोगों ने खाया है। जब दंगल राज बिहार के अंदर चल रहा था, जब किडनैपिंग एक उद्योग बना हुआ था बिहार के अंदर, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही थी, सारे बिजनेसमैन बिहार छोड़ के भाग गए थे, तब कहाँ थे तेज यादव? तब तो इनकी उम्र ये खेलने कूदने की थी, अपने पिताजी के बनाए हुए माहौल को, मतलब भोकाल को वो मजे ले रहे थे। ये लोग चारा खा गए, रेलवे का कबाड़ खा गए, पता नहीं गाय चोरी होती थी ना इनकी, गाय और भैंस, तो बिहार पुलिस लग जाती थी। और किसी का बच्चा अगर गायब हो जाए बेचारे का, 2-4-5-10 लोगों के चक्कर में इनको सुननी पड़ती है, नहीं तो ये किसी की ना सुने। डॉक्टर बिहार का, प्रोफेसर बिहार का, आईपीएस बिहार का, ये जो बिहार बिहार के लिए बोलते हैं ना, मेरे को कई बार इनके ऊपर भी गुस्सा आता, मत बोला करो। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर, मैं हूं रजत शर्मा। बिहार में खेला हो गया, जी हाँ, बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया और सरकार बना ली, सीएम पद की शपथ ले ली। तो उधर तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। अब नेशनल मीडिया के एक पत्रकार ने पूछा तेजस्वी यादव से कि जो आपने वादा किया था सरकार हमारी बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो उनका जवाब सुनिए महाशय ने क्या कहा। कहा कि अभी तो हम डिप्टी सीएम बने हैं, जब सीएम बनेंगे तब देखेंगे। आइए इसी सवाल पर